I'm sorry, बाबा। लगता है समझाते समझाते मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए तुम इतने गंभीर रहने लगे हो। नहीं शिखा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ वैभव, कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और तुमने मुझसे। लोग तो प्यार में दुनिया को छोड़ देते हैं, तुम्हें अपना घर छोड़ने का इतना अफसोस क्यों है? मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा शिखा कि मुझे अपना घर छोड़ने का अफसोस है। हाँ, मुझे ये जरूर लगने लगा है कि अपने प्यार के लिए खुद को ताकतवर बनाना जरूरी, और किसी का सहारा लेकर अपने प्यार को ताकत नहीं दी जा सकती। ये तुम क्या कह रहे हो वैभव? जब पापा हमारे साथ है तो हमें किसी और की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे पापा की ही बात तो कर रहा हूँ। प्यार का मतलब ये होता है कि हमारे बीच में कोई ना हो। मेरे घर वाले साथ नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए तुम्हारे पापा का सहारा लूं, ये भी नहीं हो सकता। अब इस बात का क्या मतलब हुआ वैभव? इस बात का मतलब ये हुआ शिखा कि हमें अपने प्यार की दुनिया अलग बसानी होगी। हम इस घर में नहीं रहेंगे, और अगर मैं तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, और सुरभि के तलाक के बाद हम शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ठोकर मार दी तो तुम चाहते हो कि मैं भी अपने पापा को ठोकर मार के चली जाऊं? ठोकर मारने की बात नहीं कर रहा हूं शिखा मैं तुमसे। अरे मैंने अपने घर वालों से रिश्ता पूरी तरह तोड़ लिया, लेकिन मैं तुम्हें रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें अलग रहना है इस घर से, जहां हम दोनों के बीच में कोई ना हो। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं शिखा, जिन रिश्तों को जिंदा रखने के लिए दूरी बनाना बहुत जरूरी होता है। मैं देख रही हूँ वैभव कि तुम दिन ब दिन बदलते जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। तुमने तो पापा के सारे एहसानों को ही भुला दिया। अभी तो तुम्हारी और मेरी शादी भी नहीं हुई है और तुम पापा से अलग रहने की बात कर रहे हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो शिखा। जो मैंने यहाँ रहकर महसूस किया है उसके लिए हम दोनों को अलग रहना बहुत जरूरी है। तुम एहसान फरामोश होते जा रहे हो वैभव। तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा सोचते हो? शर्म आती है मुझे तुम्हारी ऐसी सोच पर। मुझे पता है कि सुरभि ने ही तुम्हें बहकाया है। तुम किसी के बहकावे में आके अपनी मनमानी करने की कोशिश नहीं कर सकते, वरना तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी पछताना होगा जो तुम्हें बहका रहे हैं। मैं अभी पापा से बात करके आई। मैं तुम्हारे तेवर भी देख रहा हूँ शिखा, और ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे और कालरा अंकल के दिल में क्या है, मुझे लेकर क्या क्या सोचते हैं, और सब कुछ सुनने और समझने के बाद अब तो यही लगता है कि दादी माँ ने जो भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, कि घर जमाई बनकर रहने वाला अपना सम्मान खुद खो बैठता। मुझे याद है जब दादी माँ ने मेरे सामने ये बात कही थी। माँ, बाबूजी के साथ के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते हरिद्वार जाएं, लेकिन वहाँ ठंड बहुत होगी। हाँ पापा, यही सोचकर तो मैं आप लोगों को रोकने वाला था। दिसंबर का महीना है और वहाँ ठंड तो ज्यादा होती है। बेटा, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, ऐसे में हरिद्वार जाकर और पूजा करनी बहुत जरूरी है। फिर ऐसा करते हैं बेटा कि जरा जल्दी निकल चलेंगे और रात होने से पहले वापस लौट आएंगे। ठीक है, अगर आप यही जिद है तो अगले हफ्ते चलते हैं। केदार को बाहर कुछ काम है मुझे लगता है, तो अगर उसके पास टाइम नहीं है तो मैं और आप चलते हैं। तो मैं श्रावणी से कह देता हूँ आपके लिए गर्म कपड़े निकाल। दादी, अगले हफ्ते आप लोग हरिद्वार जा रहे हैं और उसी दिन मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है, लेकिन मैं दोस्त की शादी में नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ हरिद्वार चलूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी वैसे भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, तो तुम अपने दोस्त की शादी में चले जाओ। वैसे किसकी शादी है? वो दादी मेरे एक दोस्त की शादी, बहुत ही बड़े घराने की लड़की है वो, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है वो, और मेरा दोस्त वहाँ घर जमाई बन के रहेगा। घर जमाई बनने जा रहा है? ऐसी बात तुम मत करना कभी भी।
में ससुराल में भी और अपने घर में भी सारा मान सम्मान समाप्त हो जाता है। ऐसा ही रिश्ता तुम्हारे चाचा केदारनाथ की ने भी आया था। लड़की इकलौती बेटी थी अपने परिवार में और बड़ी मिले विले थी, बहुत जायदाद थी, लेकिन वो केदारनाथ को घर जमाई बनाना चाहती थी। तो मैंने कहा कि जब अपना ही इतना कारोबार है तो फिर किसी और का संभालो और अपनी मान और इज्जत दिखो, उसमें क्या बात है, तो मना कर दिया। वैभव अंकल, आप ये क्या सुन रहे हो? शिखा बता रही थी कि तुम्हारे सुर और राग आजकल बदलते जा रहे हैं। कल और आज में इतना बड़ा फर्क कैसे? कल और आज में फर्क तो पड़ता है अंकल। गुजरते हुए वक्त के साथ इंसान की सोच बदलती है और कभी कभी ठोकरें इंसान को सही रास्तों का एहसास दिलाती है ताकि वो संभल के चले। बातें बहुत बड़ी बड़ी करने लगे हो आजकल। और ये क्या बात, तो तुम कह रहे थे शिखा के साथ अलग दुनिया बसानी है? मेरे दिल में जो था अंकल, मैंने वही समझाने की कोशिश की है शिखा को। ख्वाबों और ख्यालों से दुनिया नहीं चलती। अलग दुनिया बसाने की बात कर रहे हो? पहले उस लायक हो जाओ। अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ठोकर मार दी। आप गलत बोल रहे हैं अंकल। मेरे घर वालों ने मुझे ठोकर नहीं मारी, बल्कि मैंने शिखा के लिए अपने घर वालों को ठोकर मारा है। जो भी हो, तुमने ठोकर इसलिए मारी कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था और तुम्हें सहारा दे रहा था, जो तुम्हें अभ्रास नहीं आ रहा है। इसी एहसान के दायरे से तो मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि एहसानों का बोझ बहुत भारी हो जाता है और उससे सिर झुक जाता है, और मैं सिर उठाकर जीना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह होनी चाहिए कि तुम्हें कालरा के घर में पनाह मिली और तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो। इस बात को छोटा समझ रहे हो? अरे तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े सम्मान की बात होनी चाहिए। ये आप समझते हैं ना, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो मेरी अपनी समझ। मैं शिखा से शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं शिखा से प्यार करता हूँ। प्यार में खुशियों का समझौता किया जाता है, खुद को बेचा नहीं जाता, और मैं भी अपनी खुददारी को खोना नहीं चाहता हूँ। शिखा तुम्हें इस घर में लेकर के आई, और क्या क्या नहीं मिला तुम्हें इस घर में, ये बात तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। और जिंदगी खुददारी से नहीं चलती। मैंने बड़े बड़े खुददारों को रोड पे बोझ होते हुए देखा है। हाँ, वो रोड पर बोझ जरूर होते होंगे, लेकिन वो किसी के एहसानों तले नहीं दबे होते हैं। यही तो खुददारी। खुददारी? हाँ,